हाय, दिस इज कविता। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेन जो है इज मोस्ट मैग्निफिसेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो आज का जो वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी अपने ब्रेन के बारे में, क्योंकि हम लोग ब्रेन हमारा इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम बहुत सारी चीज़ें हैं हम ब्रेन के बारे में नहीं जानते, या फिर हमने बहुत सारे मिथ में बिलीव करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ रियल फैक्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले है कि हमारा जो ब्रेन है वो जब हम 1 साल के होते हैं, 1 साल तक जब हम हमारी लाइफ का जो पहला साल होता है उसमें हमारा जो ब्रेन है वो तीन गुना बढ़ता है। तो उसका जो साइज है वो 3 गुना सिर्फ फर्स्ट ईयर में, जब हमारा जो पहला साल होता है उसमें ही बढ़ जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो ब्रेन का साइज 3 गुना बढ़ जाता है। और जो हमारे जो ब्रेन का जब एक एडल्ट ब्रेन है उसका जो वेट होता है वो 3 पाउंड्स होता है। 3 पाउंड्स यानी 1.5 kg वेट जो है सिर्फ हमारे ब्रेन में होता है। और हमारे ब्रेन का जो है वो 75% जो है वो वाटर का वेट होता है। यानी 75% हमारे ब्रेन में सिर्फ वाटर है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर ब्रेन हेल्दी तो प्लीज़ बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए। और नेक्स्ट है कि हमारा जो जो हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर होती है, जो ओवरऑल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है ब्रेन की, या मेमोरी पावर होती है, तो वो सबसे ज़्यादा 18 से 19 की एज में हमारा ब्रेन जो है वो उसकी जो एबिलिटी होती है वो पीक पर होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी होती है हमारे ब्रेन की वो 18 से 19 की एज में होती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारी लेकिन जो कंसंट्रेशन पावर है वो जो है वो 43 की एज में जो है वो पीक पर होती है। यानी हमारा कंसंट्रेशन जो है वो यंग से ज़्यादा जो है, मतलब 43 की जब एज होती है तब उसमें मिडिल एज में जो है वो ज़्यादा एक्टिव, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। और नेक्स्ट है कि हम सोचते हैं कि हेडेक जो होते हैं वो हमें कई तरह से, मतलब हमारे उसमें जो है वो हमारी ब्लड वेसल जो है स्वेल हो जाती हैं, या हमने वी हैव सो मेनी रीजंस, वी गिव सो मेनी रीजंस ऑफ हेडेक, बट हेडेक जो है वो हमारे उसमें केमिकल रिएक्शन से होता है हमारे ब्रेन में। और नेक्स्ट है कि एज ये एक प्रॉपर ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि जो एल्कोहल है या फिर जो प्रोसेसिंग फूड है दैट किल्स ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स को मारता है। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूरॉन जो है वो, अगर हमारा जो फिजिकल डैमेज या कोई फिजिकल इंजरी कैन डैमेज आवर न्यूरॉन सेल्स, कोई फिजिकल इंजरी होती है उसी से ही हमारी ब्रेन सेल्स डेड होती हैं, या फिर जो है वो जो ब्रेन स्ट्रोक होता है दैट ऑल्सो किल्स आवर ब्रेन सेल्स। कि ये दो चीज़ें जो है हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो जिनको ब्रेन सेल्स जो होती हैं जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, उनको डैमेज करते हैं। और ये क्यों होता है डैमेज? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनका जो फूड है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तो वो जो है वो डेड हो जाती हैं। और एक और जो सबसे लास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है कि जब हम सोते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा ब्रेन भी सो रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन नहीं सोता। हमारी जो बॉडी है वो एक हाउस कीपिंग की तरह काम करती है, और जो हमारे ब्रेन में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है जब हम सोते हैं। इसलिए ही स्लीप इज़ सो इम्पोर्टेंट। और जब वो रात को जो है वो सारे हमारे जो ब्रेन है उसमें डिटॉक्सिफाई करती है उसको, और जो भी हमने ड्यूरिंग द डे वी एक्वायर सो मैनी रॉन्ग थिंग्स इन अपने अपने जो भी माइंड में हमने एक्वायर किया होता है, जो भी हम भरते हैं अपने ब्रेन में, रात को जो है वो ड्यूरिंग द स्लीप हमारी जो बॉडी है वो उसको डिटॉक्सिफाई और उन सब जो है उनको निकाल देती है, तो उसको रिफ्रेश करती है। तो स्लीपिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको मुझे आई एम श्योर कि आपको मेरे ये फैक्ट बहुत अच्छे लगेंगे होंगे, और दीज आर रियली इंटरेस्टिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।